हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिटेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं डिटेक्टर्स होते क्या हैं, जिसको हम क्या हिंदी में अपने पास को सह सूचक कहते हैं। डिटेक्टर क्या है कि अपने पास न्यूक्लियर रिएक्शंस जो भी होती है, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के नाभिक कण या विकिरण उत्सर्जित होते रहते हैं। जैसे कि अपने पास देखते हैं हमने कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ से अपने पास क्या की अल्फा, बीटा और गामा जो अपने पास क्या की किरणें हैं वो उत्सर्जित होती रहती हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कि नाभिक की टक्कर से उत्पन्न जो कण जैसे हैं प्रोटोन है, न्यूट्रॉन है, इस प्रकार के कणों के, तो इन कणों के अपने पास क्या की अगर गुणों के अध्ययन के लिए अपने पास ये आवश्यक है कि सभी जो अपने पास के उत्सर्जित कण हैं जैसे अल्फा, बीटा, गामा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो है, इनका डिटेक्टेशन किया जाए, यानी सहसूचन किया जाए। तो इस प्रकार अपने पास क्या है कि किया जा सके, तो इनके उनके जो अपने पास क्या आवेश है, संवेग है, गतिज ऊर्जा है इत्यादि का अपने पास उनको क्या है कि मापन किया जा सकता है उनका, और कणों की पहचान भी हम क्या है कि कर सकते हैं। तो इन अपने पास के सहसूचक जो है या डिटेक्टर्स जो है के लिए अपने पास विभिन्न प्रकार के अपने पास उपकरणों का अपने पास उपयोग करते हैं। इन उपकरणों को अपने पास के डिटेक्टर्स कहते हैं, और इन उपकरणों को अपने पास डिटेक्टर्स कहते हैं। तो अपने पास इस प्रकार के जो डिटेक्टर है वो अपने पास तीन प्रकार के जैसे अपने पास होते हैं। अपने सबसे पहले अपने पास क्या जो आयनाइजेशन जो पार्टिकल्स है इसके द्वारा जो मतलब गैस के जो आयनाइजेशन करने पर जिसको अपने पास गैसीय सहसूचक या गैसेज डिटेक्टर कहते हैं, गैसेज डिटेक्टर। तो ये अपने पास के तीन प्रकार के होते हैं, नंबर एक अपने पास, नंबर दो और नंबर तीन। पहला अपने पास क्या है आयनाइजेशन चैम्बर, आयनाइजेशन चैम्बर यानी कि आयनन कोष्ठ, आयनन कोष्ठ। दूसरा अपने पास है प्रोपोर्शनल काउंटर, प्रोपोर्शनल काउंटर जिसको अपने पास कहते हिंदी में बोलते हैं अनुपातिक गणितर, अनुपातिक गणितर। तीसरा अपने पास है इसमें गीगर मुलर काउंटर, मुलर काउंटर जिसको शॉर्ट में हम क्या है जीएम काउंटर भी बोलते हैं, जीएम काउंटर जिनको अपने पास क्या है हिंदी में अपने पास क्या है गीगर मुलर गणितर भी लिख सकते हैं। तो इन तीनों जो डिटेक्टर है इनके अपने पास क्या है कि हम डिटेल से इसकी स्टडी करें, लेकिन इसके डिटेल से स्टडी करने से पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। और बेसिक में अपने पास क्या है, सबसे पहले जो है हम ये देखते हैं कि अपने पास जो गैस के आयनन पर अपने पास या गैस का जो आयनाइजेशन हम करते हैं तो उसके अपने पास डिटेक्टर के क्या प्रिंसिपल्स है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डिटेक्टर्स बेस्ड ऑन आयनाइजेशन ऑफ गैस, इसके बारे में हम क्या है कि पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं इन तीनों अपने पास क्या है कि ये जो डिटेक्टर है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें प्रिंसिपल ऑफ डिटेक्टर्स बेस्ड ऑन आयनाइजेशन ऑफ गैसेज। इसको अपने समझने के लिए सबसे पहले क्या है कि हम प्रिंसिपल ऑफ डिटेक्टर्स बेस्ड ऑन आयनाइजेशन ऑफ गैसेज है, यानी गैस के आयनन पर आधारित सहसूचक का सिद्धांत। तो इसका जो प्रिंसिपल समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, वो डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। जैसा कि मैंने ये डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के अनुसार अपने पास देखते हैं सबसे पहले
ये आयनाइजेशन चैम्बर लेते हैं इसमें, ये एक आयनाइजेशन चैम्बर है, और इस आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर अपन देखते हैं कि एक महीन जो तार है वो तार लगा हुआ है, और इस तार को अपने पास के इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड रखते हैं, और इस जो आयनाइजेशन जो चैम्बर है ये आयनाइजेशन चैम्बर है, इस आयनाइजेशन चैम्बर का जो अपने पास ये महीन तार अपने पास बारीक जो तार लेते हैं, ये अपने पास जो तार है वो किसका कार्य करता है, ये एनोड का कार्य करता है। क्या है? एनोड का कार्य करता है। और अपने पास क्या है कि और जो अपने पास ये नली है वो अपने पास के कैथोड का कार्य करती है। ये जो अपने पास नली होगी इसको अपने पास क्या है, ये कैथोड का कार्य करती है। तो इस प्रकार से एनोड और अपने पास क्या कि ये अपने पास क्या कि कैथोड और एनोड, इन कैथोड और एनोड के बीच में अपने पास क्या है कि एक उच्च दिष्ट वोल्टता अपने पास क्या कि आरोपित करते हैं, और इसके साथ ही अपने पास क्या इसमें एक कैपेसिटर संधारित्र लगाते हैं, और एक अपने पास इसमें क्या कि प्रतिरोध आर लगाते हैं, इसको इस प्रकार से अपने पास करके स्थित करके, और इसमें एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफायर से इसको क्या कि जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार अपने पास के इसके जो आयनाइजेशन जो चैम्बर है इसमें अपन क्या कि उचित दाब पर अपने पास क्या है कि एक हाइड्रोजन या ये कहें कि वायु ली जा सकती है, और सामान्यतः अपने पास नॉर्मली इसमें क्या लेते हैं कि नोबल गैसेस लेते हैं, जैसे इसमें क्या लेंगे, नोबल गैस लेते हैं, और नोबल गैस जैसे होती है अपने पास की आर्गन होती है, अपने पास की आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड, ये अपने पास क्या है कि या आर्गन CH4, इस कारण इसमें अपने पास क्या है कि नोबल गैसेज इसमें इनका मिश्रण लिया जा सकता है। तो इन गैसों में अपने पास के आयन या आयनाइजेशन के पश्चात अपने पास ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या है कि फ्री हो जाते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, और वो तेजी से अपने पास क्या है कि कलेक्शन के लिए अपने पास क्या है कि उपलब्ध रहते हैं। जब कोई अपने पास क्या कि चार्ज पार्टिकल अपने पास क्या कहते हैं, या आवेशित कण जो है, चार्ज पार्टिकल आवेशित कण अपने पास किसको आयनाइजेशन चैम्बर में, या आयनकारी अपने पास जो कण है अपने पास है, जैसे क्या कि एक्स किरणें हैं या अल्फा बीटा गामा जो किरणें हैं, इसको अपने पास से अक्ष में से होकर अगर गुजारते हैं तो ये गैस के परमाणुओं का अपने पास जो गैस इसके अंदर ले जाते हैं, नोबल गैसेस ले रहे हैं, उनका क्या है कि ये आयनाइजेशन कर देता है। तो इसके लिए अपने पास के इसमें ये कहें कि इस नली में अपने पास के इलेक्ट्रॉन और धन आयन जो है वो हमें कि इस नली के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और धन आयन है वो उत्पन्न हो जाते हैं, और वायु में क्या है कि अपने पास के कि आयन जो क्या है कि या आयन स्पेयर या ये कहें आयन युग्म बनाने के लिए लगभग क्या है कि 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यदि अपने पास के प्राथमिक विकिरण जो अपने पास के नली में आ रहा है, अपने पास ये मान सकते हैं कि वो अपने पास ये मान के चले कि 1 MeV होंगे, क्या है, 1 MeV यदि होंगे, अर्थात अपने पास ये लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि 4.6 × 10⁻¹⁵ कूलाम धन आवेश, और इतना ही कह के ऋण आवेश कह के इससे चैम्बर में अपने पास के उत्पन्न हो जाएगा। तो अपने इस नली में अपने पास ये गैस के आयन से उत्पन्न जो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका एनोड की ओर तथा जो धनायन जो होते हैं वो के कैथोड की ओर के गति कर ले जाते हैं, और अपने पास प्रतिरोध में से अपने पास के जो प्रतिरोध में से क्या है कि आर में से गुजारने पर अपने क्या कि उसमें विभवांतर उत्पन्न होता है, और इस विभवांतर को अपने पास के एम्पलीफायर के द्वारा मापन किया जा सकता है, और यह विभवांतर जो है वो आयनाइजेशन जो पार्टिकल है के द्वारा उत्पन्न आयनों की जो संख्या तथा आरोपित वोल्टता V पर निर्भर करता है, और यदि अपने पास के इलेक्ट्रोड्स जो है इलेक्ट्रोड्स के मध्य आरोपित वोल्टता V और में अगर इसमें की बढ़ोतरी की जाए या वृद्धि की जाए तो इसकी जो आयनाइजेशन जो करंट है वो करंट में अपने पास क्या है कि परिवर्तन होगा, और उसके अपने पास वी और आई के साथ अपने पास क्या आयनाइजेशन धारा आयनाइजेशन करंट और वोल्टेज के बीच में अपने पास क्या है कि एक ग्राफ बनाया गया है जो कि इस प्रकार का आता है। इस ग्राफ में अपने पास क्या है कि कुछ
इस प्रकार के हमें क्या प्राप्त होते हैं, मान लो कि अपने पास क्या ये 0 वोल्ट पर है, ये V1 वोल्ट पर है, ये V2 वोल्ट पर है, ये V3 वोल्ट पर है, ये V4 वोल्ट पर है और ये V5 वोल्ट पर है। तो इस प्रकार से अगर हम क्या इसका वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो इन वोल्टेज के बढ़ाने पर अपने पास क्या है, इस ग्राफ से अपने पास के कुछ रीजन हमें प्राप्त होते हैं। और सबसे जो पहला अपने पास, जैसे मैंने ये कुछ ये लाइनें की है, डैश डैश लाइन, ये भी डैश डैश लाइन है इस प्रकार से। तो ये अपने पास के लिए पहला ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है, ये थर्ड रीजन है, ये फोर्थ रीजन बन रहा है, ये फिफ्थ रीजन बन रहा है, ये सिक्स रीजन बन रहा है। तो इनको हम क्या है कि कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, जो फर्स्ट रीजन है उसको क्या कि रिकॉम्बिनेशन रीजन कहते हैं। अब हम क्या इस ग्राफ से समझ रहे हैं तो इसको हम क्या कि थोड़ा मिटा देते हैं ताकि हम क्या इसको और समझ सकें। इसमें अपने पास क्या कि जो आयनाइजेशन करंट और जो वी में हमने ग्राफ खींच रहे हैं, सबसे पहले जो अपने पास है वो सबसे पहला अपने पास है कि रिकॉम्बिनेशन रीजन, पुनर्योजन जन क्षेत्र। रिकॉम्बिनेशन रीजन में क्या है कि इस पार्ट के अंदर जो आरोपित जो वर्ड होती है वो बहुत कम होती है, और जब आयनकारी अपने पास क्या कि जो आयनाइजेशन चैम्बर में आयनकारी कण की जो गैस के जो परमाणु का आयनन करते हैं, तब ये आयन साथ साथ पुनः रिकॉम्बिनेशन कर उदासीन परमाणु बना लेते हैं। तो इस कारण इस क्षेत्र में धारा का मान क्या कि कम होता है, यानी धीरे धीरे धारा इसमें के बढ़ते थे, लेकिन जैसे जैसे आरोपित वोल्टता में अपने पास वृद्धि करते हैं तो यह पुनः योजन जो अपने पास ये कहें रिकॉम्बिनेशन जो रीजन है वो क्या कि कम होता जाता है और आयनन धारा में क्या कि वृद्धि होती है, आयनन धारा में अपने पास के वृद्धि होती है और यह क्षेत्र जो है वो आयन रिकॉम्बिनेशन क्षेत्र। तो इसको अपने पास के रिकॉम्बिनेशन रीजन कहते हैं। जो ये जो फर्स्ट है जो ये अपने पास क्या आएगा रिकॉम्बिनेशन रीजन होगा ये। फिर अपने पास के इसमें दूसरा जो आता है वो आता है कि आयनाइजेशन चैम्बर रीजन, आयनाइजेशन चैम्बर रीजन, जिसको हम कहेंगे आयनन कोस्ट क्षेत्र, हिंदी में क्या कहें आयनन कोस्ट क्षेत्र। इस क्षेत्र को अपने पास की ये जो सेकंड जो रीजन अपने पास है ये क्या है आयनाइजेशन चैम्बर रीजन है, ये रीजन है इस सेकंड रीजन को, जो जिसकी वोल्ट अपने पास की इस वी वोल्ट अपने पास के वी वोल्ट से अपने पास के वी वन से इसको बढ़ाते हैं। तो अगर इसकी कहीं V में अपने पास क्या कि जो V है वो ग्रेटर देन V1 हो, यानी V1 से ज्यादा होती है, तो इस नली में अपने पास क्या होता है कि उत्पन्न जो इलेक्ट्रॉन और धन आयनों का जो पुनर्योजन अपने पास क्या रिकॉम्बिनेशन है वो क्या कि नेग्लेक्ट हो जाता है, और आयनकारी कण द्वारा जो उत्पन्न सभी जो आयन्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन और धन आयन जो है वो इलेक्ट्रोड की ओर इलेक्ट्रोडों की ओर गति करते हैं। जैसे पहले मैंने बताया था कि जो भी अपने पास के धनायन या ऋण आयन है वो इलेक्ट्रोड्स की ओर गति करेंगे, धनायनों की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन क्या की बहुत ही या ये कहें अति शीघ्र क्या की गति कर एनोड पर एकत्रित होते रहते हैं और एक धारा स्पंद या कहें कि प्लस का निर्माण कर लेते हैं। तो इस स्पंद को क्या की तीव्रता आयनकारी कण द्वारा उत्पन्न आयन युग्म अर्थात आयनकारी कणों की ऊर्जा पर निर्भर करती है, लेकिन धारा की जो ऊंचाई या जो तीव्रता जो होती है वो क्या होती है आरोपित वोल्टता पर निर्भर नहीं करती। इस कारण क्या होता है इसमें जो आयनाइजेशन धारा जो होती है वो क्या है कि सैचुरेशन अवस्था में रहती है, यानी संतृप्त धारा कहलाती है, और इस प्रकार से क्या कि ये जो संतृप्त धारा है इसमें धारा का मान चेंज नहीं होता इस रीजन में, तो ये संतृप्त धारा कहलाती है। और इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं
अपने पास के आयनाइजेशन चैम्बर कहते हैं। फिर तीसरा अपने पास इसमें आता है वो आता है प्रोपोर्शनल रीजन, यानी अनुपातिक क्षेत्र। ये जो थर्ड रीजन अपने पास है वो रीजन अपने पास क्या होगा, प्रोपोर्शनल रीजन या अनुपातिक रीजन कहलाता है, जिसमें जो V का जो मान है वो ग्रेटर देन V2 रखते हैं अपने पास, यानी V2 वर्धता से जैसे हम क्या इसका मान बढ़ाते हैं तब क्या है कि ये रीजन हमें क्या की प्राप्त होते हैं। और इस रीजन में अपने पास क्या की गैस में क्या आयनों की संख्या प्राथमिक आयनों की जो संख्या होती है उनसे अधिक हो जाती है। प्राथमिक में अपने पास क्या प्राइमरी में देखते हैं, प्राइमरी आयनाइजेशन में उत्पन्न जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो त्वरित या एक्सीलरेट होकर गैस अणुओं से टकराते हैं और नए आयन युग्म उत्पन्न कर देते हैं। और इस प्रकार के इन आयन युग्मों की संख्या जो है वो आरोपित वर्धता V के साथ क्या है कि बढ़ती जाती है, या ये कहें कि लगभग चर घाता के रूप में क्या है कि इस प्रकार से क्या की बढ़ती है। तो अपने पास देखें तो यह प्रक्रम जो होता है वो संचय होता है, और इसमें क्या है कि प्रत्येक जो प्राथमिक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन का छोटा जो एवलांच उत्पन्न करता है, और इस एवलांच में उत्पन्न ये द्वितीयक इलेक्ट्रॉन जो है वो केंद्रीय इलेक्ट्रोड के समीप उत्पन्न हो जाते हैं, और इससे हम कहते हैं टाउन साउंड एवलांच भी कहते हैं। क्या कहें, टाउन सैंड एवलांच भी कहते हैं। और इस क्षेत्र में अपने पास इस क्षेत्र में क्या होगा, इस क्षेत्र में देखते हैं कि इलेक्ट्रोड पर जो अपने पास आयन जो है वो उनकी संख्या जो है वो प्राथमिक आयन के समानुपाती होती है, ये विशेष इसमें बात है, इसलिए इसको क्या प्रोपोर्शनल कहते हैं। जो प्राथमिक जो आयन होते हैं उन युग्मों के क्या कि इसमें क्या कि जो बाद के अपने पास द्वितीयक आयन की संख्या वो क्या इसमें समानुपातिक होती है, और समानुपातिक निहितांक को अपने पास क्या कि मल्टीप्लीकेशन फैक्टर एम से डिफाइन करते हैं, जिसे एम कहते हैं। और जैसे अपने पास क्या V2 का मान अपने पास क्या है कि V3 के लिए अपने पास ये कहें तक के लिए अपने पास नियत रखता है V2 से V3 के बीच में, और इस क्षेत्र को हम क्या कि अनुपातिक रीजन या प्रोपोर्शनल रीजन भी कहते हैं। इस क्षेत्र में जो आयनाइजेशन करंट जो है उसकी स्पंद की ऊंचाई प्राथमिक आयनाइजेशन द्वारा आयनन कक्ष में खोई गई ऊर्जा के समानुपाती होता है। और इस क्षेत्र में अपने पास की क्षेत्र में प्रोपोर्शनल जो काउंटर है उसको हम क्या है प्रोपोर्शनल काउंटर के श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार अपने पास क्या है इसमें देखते हैं, ये अपने पास जो जो दोनों दिए हैं वो क्या है कि अल्फा और बीटा पार्टिकल्स के लिए अपने पास इसमें दिया गया है। ऊपर वाला अपने पास के अल्फा पार्टिकल्स के लिए है और ये अपने पास क्या की बीटा पार्टिकल्स के लिए है। तो इस प्रकार अपने पास क्या की पहला दूसरा तीसरा रीजन, तीसरा रीजन कौन सा होगा प्रोपोर्शनल रीजन। फिर अपने पास चौथा जो रीजन आता है वो आता है अपने पास लिमिटेड प्रोपोर्शनलिटी रीजन। तो या ये कहें सीमित अनुपातिक क्षेत्र, इसको क्या कहेंगे सीमित अनुपातिक क्षेत्र। सीमित अनुपातिक क्षेत्र अपने पास क्या कि ये है, इसमें क्या कि ये लिमिटेड रहता है, जैसे अपने पास कि ये वोल्टेज जो वैल्यू है वो V की जो वैल्यू है वो V3 से ज्यादा रखते हैं, V3 से जैसे हम केस की अपने पास जो अपने पास इसका वोल्टेज का जो मान है वो बढ़ाते हैं तो धारा के स्पंद की ऊंचाई भी अपने पास क्या इसकी बढ़ती है। लेकिन स्पंद की ऊंचाई के देखते हैं इसमें थर्ड की भांति प्राथमिक जो आयन अपने पास है द्वारा खोई गई ऊर्जा के समानुपाती नहीं होती, जैसे इसमें थर्ड में अपने पास क्या कि जो खोई गई ऊर्जा के समानुपाती होता है तो इसमें ऐसा नहीं होता। इसी कारण अपने पास क्या जिनके धनायन जो है वो कैथोड को गति करते हुए वो के कोलिजन करते रहते हैं और अधिक इलेक्ट्रॉन क्या कि उत्पन्न कर देते हैं, और इन धनायनों का जो अंतराकाशीय आवेश और इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न जो एवलांसों में जो इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, तो अतः इन कणों के जो ऊर्जा का मापन के लिए इस क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जा सकता। और विभिन्न प्रकार के जब आयनाइजेशन कण जैसे अल्फा बीटा अपने पास देखते हैं
तो ये अपने पास क्या इस क्रम के अंदर आके क्या ये दोनों एक ही बिंदु पर आकर क्या की मिल जाते हैं, यानी एक हो जाते हैं। फिर अपने पास क्या कि इसमें पांचवा जो है वो आता है अपने पास गाइगर रीजन, पांचवा जो है वो क्या आता है गाइगर रीजन, गाइगर क्षेत्र। तो ये पांचवा जो रीजन है ये अपने पास क्या कि गाइगर रीजन कहलाता है, और इस रीजन के अनुसार हम देखते हैं इसमें जो जैसे ही V का मान वोल्टता का जो मान है वो V फोर्स अपने पास के इससे जैसे इसका मान बढ़ाते हैं तो बढ़ाने पर अपने पास क्या है कि जो आयनाइजेशन धारा जो है इसकी ऊंचाई अपने पास ये कहीं इसकी जो है वो बहुत अधिक हो जाती है, तथा अपने पास क्या है कि इस पंत की ऊंचाई वो आयनकारी जो कण होता है द्वारा उत्पन्न प्राथमिक आयनों की संख्या, प्राथमिक आयनों की संख्या तथा आरोपित वोल्टता पर निर्भरता हो जा, मतलब आर्बिट जो क्या इसमें आरोपित वोल्टता पर निर्भरता जो है कि वो समाप्त हो जाती है एक प्रकार से। तो इस क्षेत्र को अपने पास क्या कहते हैं गाइगर क्षेत्र कहते हैं, और इसमें जो कार्य करने वाले जो डिटेक्टर है उसको हम क्या कहें जीएम काउंटर कहते हैं, डिटेक्टर क्या कहेंगे जीएम काउंटर कहते हैं। तो इस गाइगर क्षेत्र में अपने पास के एनोड के किसी भी बिंदु पर एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न एवलांच संपूर्ण एनोड लंबाई में फैल जाता है पूरे पे। तो इस प्रकार अपने पास के किसके के ये है पांचवा रीजन हुआ, पांचवा रीजन अपने पास के गाइगर रीजन है, और छठा जो रीजन है अपने पास क्या है जिसको के कंटिन्यूस डिस्चार्ज रीजन लिख सकते हैं, अविरत विसर्जन क्षेत्र, यानी कंटिन्यूस डिस्चार्ज रीजन। कंटिन्यूस डिस्चार्ज रीजन ये अपने पास के छठा। तो जैसे इसकी वोल्टता अपने पास V से अपने पास क्या है कि V का जो मान है वो क्या है कि V 5 से बड़ा होगा, जैसे कि वोल्टेज का मान अपने पास V 5 से ज्यादा बढ़ा देंगे तो आयनाइजेशन कक्ष में जो अपने पास क्या है कि कंटिन्यूस डिस्चार्ज का प्रारंभ हो जाता है, और यह जो डिस्चार्ज है अपने पास या ये विसर्जन है वास्तव में क्या कि अविरत यानी कि कंटिन्यूस से नहीं रहता है, बल्कि ये के संबंधों के गुण के कारण के अविरत प्राप्तित होता है। यह विसर्जन जो है वो आयनकारी कण की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता, इसलिए इस क्षेत्र का उपयोग डिटेक्टर में नहीं किया जा सकता, यानी कि इसमें क्या होता है कंटिन्यूस डिस्चार्ज प्रारंभ हो जाता है, और जिसके कारण के है हम इसको के डिटेक्टर के रूप में अपने पास इसको काम में नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार के इसका एक बेसिक प्रिंसिपल से इस ग्राफ का जो कि हम के अलग अलग के अंदर जैसे अपने पास आयनाइजेशन चैम्बर में हम के इस रीजन को क्या कि पढ़ेंगे आगे इसको डिटेल से स्टडी करेंगे, अगर गाइगर रीजन है अपने पास तो हम क्या कि इसको थर्ड वाले के अपने पास जो रीजन है इसके बारे में इस ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपने पास क्या अगर मान लो क्या कि इसमें फोर्थ अपने पास रीजन जो है, फिर अपने पास फिफ्थ रीजन जीएम काउंटर है वो अपने पास इस रीजन में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार क्या कि ये हमने के बेसिक प्रिंसिपल्स दिया है और इसकी के जो डिटेक्टर्स है उनको क्या हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।